फाइनली मानो कुछ इस तरह से। तो गाइस फाइनली तैयार हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं अब बस निकलने वाले हैं यहाँ से राजगीर का जंगल सफारी के लिए। तो चलिए आप लोगों को घुमाते हैं राजगीर का जू सफारी। तो अभी निकल रहे हैं अपने रूम से। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं राजगीर जू सफारी के पास। तो अभी चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं राजगीर जू सफारी के अंदर का व्यू। और कुछ इसके बारे में मैं बताऊं तो इसका प्रोजेक्ट 2016 में ही शुरू हुआ था, जो कि 177 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और काम बीच में स्लो होने के वजह से लगभग ये 2022 में कंप्लीट हुआ। और फाइनली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे 16 फरवरी 2022 को इसका ओपनिंग किया और पब्लिक के लिए 20 फरवरी 2022 को खोला गया था। और इसके बारे में और एक चीज़ बता दूं तो ये 472 एकड़ में बना हुआ है और हेक्टर में बात करें तो 191.2 हेक्टर में बनकर ये तैयार हुआ है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अभी ले चलते हैं आप लोग को अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो अभी चल रहे हैं अंदर जहाँ हमारा टिकट चेक होगा। और आप लोग देखिए इधर आप लोग को दिख जाएंगे वैभवगिरी पहाड़ी या उधर आपको दिख जाएगा सोनगिरी पहाड़ी, जो कि इस जू सफारी का खूबसूरती को और बढ़ाता है। तो चलिए ले चलते हैं आप लोग को अंदर की ओर। और ये है भैया जो कि चेक करते हैं टिकट को, और हमारे ये फ़ोन में टिकट है। तो अभी ये लोग के पास हर डे का ऑनलाइन का लिस्ट होता है जिसमें हम लोग का नाम मिलाते हैं, और अभी फाइनली उसमें हम लोग का नाम मिल चुका है। तो चलिए अब फाइनली मुहर लग चुका है अंदर जाने का। और अभी आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ के, यहाँ बहुत सारे जानवरों के स्टेचू बने हुए हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे भालू, और इधर से आपको ले चलते हैं। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे बाघ है, बाघ आपको दिख जाएगा जो कि इस जंगल सफारी में है, उसी का यहाँ पे स्टेचू बनाए हुए हैं। और इधर आपको शेर के स्टेचू दिख जाएंगे। और इससे आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए वहाँ दो तेंदुए लेपर्ड का स्टेचू बना हुआ दिख रहा है। तो चलिए अभी ले चलते हैं आप लोग को अंदर। और चूंकि टाइम भी मेरा होते जा रहा है, 10 और 11 बजे का स्लॉट मेरा बुक है, तो सोचिए जल्दी यार इधर के कवर कर लो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और इधर आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पे हिरन ये सब का भी स्टेचू बने हुए हैं। तो इधर जस्ट एंट्री गेट के सामने एक भगवान बौद्ध का स्टेचू बने हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है और यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाता है। आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ के सभी खूबसूरती को। तो पहाड़ों के बीच में बना यह जू सफारी और खूबसूरती को बढ़ाता है। अभी हम जू सफारी के एंट्री गेट पे हैं, और ये आप लोग देख रहे होंगे पीछे का क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे हुए हैं जो कि हमेशा किसी भी मदद के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। तो चलिए आप लोग को ले चल रहे हैं। ये अभी जितने लोग आ रहे हैं ये सभी लोग का स्लॉट 10 से 11 के बीच का बुकिंग है। तो अभी चलिए टिकट काउंटर पे आप लोग को ले चल रहे हैं। तो अभी जो सफारी के लिए पास ले लिए और जा रहे हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोग को अंदर का व्यू को। तो अभी चलिए, और चलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ सबसे पहले ये राजगीर जू सफारी में ये एक म्यूजियम है। इसमें आपको हमारे पृथ्वी के बारे में दिखाया गया, और आपको दिखा रहा हूँ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से था, पूरी तरह से लावा आग की तरह। और आगे बढ़ते हैं तो 2.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, तो जब हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से था। और आगे आपको दिखा रहे 750 मिलियन ईयर्स पहले जब हमारा पृथ्वी जो था इस तरह से था।
और 400 मिलियन ईयर्स पहले हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से था, और 240 मिलियन ईयर्स पहले हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से था। और आपको दिखा दें अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मानव का विकास हुआ और मानव आदमी में बदले। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से मानव को बदलते हुए शरीर को दिखाया गया है। देखिए पहले बंदर, फिर उससे कुछ और सुधार हुआ और कुछ इस तरह से आदमी का विकास हुआ। और ये फाइनली अगर देखे तो उसके बाद दिखा रहा हूँ फाइनली हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगे। यहाँ आपको बाघ का स्टैचू मिल जा रहा है, शेर का स्टैचू मिल जा रहा है, चीता का स्टैचू मिल जा रहा है, लियोपार्ड का स्टैचू आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। देखिए और आगे बढ़ रहे हैं तो ये भालू दिख जाएंगे। और इसके आगे जस्ट देख रहे हैं तो एक हिरन दिख रहा है जो सिंह वाला है, फिर चीतल। हिरन का बहुत सारे प्रजाति आप लोग को देखने को यहाँ मिल जा रहे हैं। और दिखा दूँ इधर तो कुछ चित्र बना हुआ है जो कि वन विभाग का है, और चीता को रेस्क्यू करते हुए यहाँ पे उन लोग नजर आ रहे हैं। और इधर देखें तो वन विभाग कैसे वन संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, पौधा लगाते हुए नजर आ जाएंगे इस चित्र में। तो गाइस अभी यहाँ म्यूजियम घूमने के बाद अब चलते हैं अब थिएटर में और दिखाते हैं आपके अंदर के। तो चलते हैं आप लोग को अंदर के दिखाते हैं। तो आ गए अभी 3D थिएटर में और चल रहे अभी अंदर, और फिलहाल आ चुके हैं 3D थिएटर के अंदर। और तो आप लोग देख रहे होंगे फिर ये डिस्प्ले 180 डिग्री पे घुमा हुआ है। तो अभी कुछ ही देर में ये शो शुरू होने वाला है, और शो का नाम आप लोग देख ही रहे द ओशियन 22 को, और ये लगभग 10 मिनट का दिखाया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50-80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समुद्रों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। वर्षा, अजीब बात है ना? अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत
और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। तो फाइनली अभी द ओशियन बायोस्कोप शो ख़त्म हो चुका है और इसमें हम लोग को ये बताया गया कि कैसे हम लोग जलीय जीव को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे पर्यावरण को शुद्ध कर रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक कदम उठाना चाहिए जिस कि प्लास्टिक को जितना कम हो सके यूज करें, क्योंकि हम लोग कहीं ये कहीं ना कहीं गलती के कारण आज जलीय जीव का जीवन खतरे में पड़ रहे हैं। हम आज बाहर अपने कूड़े कचरे को फेंक रहे हैं, नदी नाले में बाहर हैं। तो अभी जा रहे हैं हम जू सफारी के अंदर और यहीं पे एक भैया मिले जो कि जू सफारी के बारे में हमें बताएं किस तरह से वहाँ घूमना है और किस तरह से कवर करना वहाँ के। तो भैया, क्या आपका नाम हुआ? जी, मेरा नाम गोविंदा कुमार हुआ। और कहाँ से आप? राजगीर से रहने वाले हैं। तो भैया, ये राजगीर से रहने वाले और यहीं पे इनका जॉब है जो कि कितना दिन से कर रहे हैं भैया? लगभग भैया हम 18 महीने से कर रहे हैं, डेढ़ साल हो गया। तो ये अभी यहाँ पे डेढ़ साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं। इसके वजह से इनका पूरा राजगीर का यहाँ का पूरा टॉर प्लान इनका मालूम है और इनके माध्यम से हम यहाँ का जानकारी लिए। और चलिए चलते हैं यहाँ जू के अंदर और दिखाते हैं आप लोग को पूरे अंदर का नज़ारा। ठीक है भैया, थैंक यू। तो अभी ये भैया हैं जो कि हमको वहाँ पे बताएं किस तरह से जाना है और इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ। तो भैया, आप यहाँ पे कितने दिन से जॉब कर रहे हैं? जब से बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई है, तभी से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। आप यहाँ कहाँ से हैं? बस अपने बिहार से हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ। भैया, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं? या राइट। तो चलिए अभी चलते हैं, आपको अंदर की दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक, थैंक यू भैया बताने के लिए। भाई, अभी चल रहे हैं जू सफारी के अंदर और आप सामने के देख रहे होंगे क्या जबरदस्त ढंग से तैयार किया गया राजगीर जू सफारी को। तो अभी चलिए ले चल रहे हैं आपको राजगीर जू सफारी के अंदर। अरे भाई, बहुत खूबसूरती है। हम तो यही आप लोग को रिकमेंड करेंगे कि आप लोग भी एक बार जरूर यहाँ आए और घूमें। तो चलिए, आप लोग दिखा रहे हैं अंदर की खूबसूरती को। और अभी जस्ट ये बाहर देखिए जो एंट्री गेट है और यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ से जैसे एंट्री कर रहे हैं तो एक गार्डन बना हुआ है और जैसे इधर घूमते हैं तो यहाँ बहुत सारे गार्डन दिख जाएंगे। और आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, ये है जू सफारी का वेटिंग रूम और सामने देखिएगा तो एक कैंटीन दिख जाएंगे और यहाँ एक डिस्प्ले दिख जाए जिसपे यहाँ के जानवरों के बारे में बताते हुए दिख जाएंगे। तो अभी हम लाइन में लगे हैं और देख सकते हैं आगे गाड़ी आकर लग गया है और चलते हैं इसी के। ऑनलाइन है? ऑनलाइन है भैया, नहीं पीछे दो अंकल बोल रहे। हाय, और कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं। कहाँ से आए आप? हम गया से। चलिए, तो कैसा लग रहा है अंकल यहाँ का घूमकर? ये अंकल बोल रहे हैं यहाँ घूमकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अभी आप लोग को दिखा रहे हैं राजगीर जू सफारी का और गाड़ी में देख रहे होंगे बैठ चुके हैं।
तो अभी एक गाइडलाइन वाले भैया हैं जो कि हर गाड़ी पे रहते हैं और ये यहाँ के सभी जानवरों के बारे में बताते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं सभी लोग इनसे यहाँ के जू सफारी में स्थित सभी जानवरों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इनके बात को और जानते हैं यहाँ के सभी जानवरों के बारे में। तो यहाँ एक लेपर्ड छुपा हुआ है, बहुत प्रयास कर रहे हैं उसको दिखने का और अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे पीछे प्रयास बहुत कर रहे मगर हमें नहीं दिख रहा। अभी एक तेंदुआ था जो शायद हमें नहीं दिख पाया, अभी एक जा रहे अभी दूसरे साड़े के अंदर। अभी ये भैया कौन से सफारी है? अभी अभी तो अभी निकल रहे लेपर्ड सफारी से, अब तो अभी चल रहे हैं टाइगर सफारी के अंदर और दिखाते हैं वहाँ शायद वहाँ टाइगर दिख जाए, क्योंकि यहाँ तो अभी लेपर्ड दिखा नहीं। शायद था एक मगर वो पेड़ के झाड़ियों से छुपा हुआ, जिसकी वजह से हम लोग स्पष्ट दिख नहीं पाए। तो अभी उम्मीद करते हैं कि आगे टाइगर दिख जाए। बंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो अभी हम निकल गए हैं लेपर्ड सफारी से और चल रहे हैं टाइगर सफारी की ओर और उम्मीद करते हैं शायद वहाँ टाइगर दिख जाए। तो यह है गाइडलाइन वाले भैया जो कि हर जानवर के बारे में उस सफारी में जाने से पहले बताते हैं। और आपको बता दें यहाँ सभी जानवरों का एक एरिया बनाया हुआ है और उसी एरिया में उस जानवर को रखा जाता है। और वहाँ पहुँचने से पहले ये गाइडलाइन वाले भैया वहाँ संपर्क करते हैं और फिर गेट खुलवाते हैं और उस एरिया में सभी को ले जाते हैं और वहाँ के उस जानवर को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चल रहे अभी टाइगर सफारी में और ये आप सामने देख रहे होंगे गेट खुल रहा है। तो अभी हम आ गए हैं टाइगर सफारी के अंदर और बढ़ रहे हैं आगे एक उम्मीद पे शायद टाइगर दिख जाए। और भैया बोल रहे हैं कि इसमें 3 टाइगर को छोड़ा गया है और अभी तक तो कोई टाइगर दिखा नहीं है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे, शायद कोई टाइगर दिख जाए। और यहाँ पे भैया जो कि उस टाइगर के बारे में बताते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो बने रहे हैं आप लोग मेरे इस वीडियो पे एक उम्मीद के साथ शायद इसमें टाइगर दिख जाए। और 3 टाइगर तो जरूर, एक न एक तो जरूर दिखना चाहिए। तो चलिए बढ़ रहे हैं। और आप लोग को दिख रहा होगा एक टाइगर वहाँ दिख रहा है जो कि सोए हुए भी नजर आ रहा है। पानी भी आ रखा है यहाँ पानी। तो अभी कुछ दिखा नहीं, बस एक अभी टाइगर दिखा इस सफारी के अंदर जो कि अभी सो रहा है। तो अभी टाइगर सफारी से निकल रहे हैं और यहाँ के बाद अभी चल रहे हैं लायन सफारी के पास और दिखते हैं क्या वहाँ लायन दिख जाता है या ना। देखिए सहयोग बोले अभी तो एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, जितने भी एनिमल होते हैं ओमनिवोरस भी जो होते हैं वो सप्ताह में एक दिन खाते हैं, एक दिन अपने भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। आप देखिएगा कभी कभी टाइगर जो होता है घास खाता है, घास इसलिए खाता है क्योंकि उसमें उसके पास घास की भी परख है। कार्निवोरस एनिमल्स के पास घास की भी परख है, वो का टेस्ट चेंज करने के लिए भी खाता है और वोमिटिंग करने के लिए भी खाता है, घास को खाता है। वोमिटिंग करने के लिए कौन सा घास चाहिए उसे, टेस्ट चेंज करने के लिए मुझे कौन सा घास चाहिए वो सब पता है, हम लोगों से ज्यादा वो जानता है। कभी कभी देखे हुए कुत्ते को बिल्ली को घास खाने के बाद वोमिटिंग करता है, इसीलिए वो करता है, उसका टेस्ट हमारा चेंज करता है। तो अभी हम लोग लायन सफारी के अंदर जा रहे हैं। हमारे साथ कोई अंदर बैक्टीरिया ना चला जाए क्योंकि लायन जो होते हैं जमीन को भी चाट लेते हैं, अपने पैरों को भी चाटते रहते हैं, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है।
टोटल इस सफारी में पांच है जिसमें तीन फीमेल है दो मेल है। तो अभी जैसे ही चल रहे हैं यहाँ पे लाइन अभी एक दिख जा रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे पहुँचे एक लाइन दिख गया है। और यहाँ भाई थोड़ी थोड़ी क्या है हम लास्ट में इसीलिए लाए क्योंकि थोड़ा सा हमें समय और मिल जाए शाम और ढल जाए। देखो फोटो खींच लिया भैया देखो ना ऐसे आगे बैठिए बैठिए और देखिए एक और आगे एक शेर दिख रहा है जो गाड़ी के पीछे से गया। कैमरा में शायद स्पष्ट नहीं है मगर शेर जा रहा है और यहाँ लगभग हमें तीन शेर यहाँ दिख गए। पूरा की बात करें तो यहाँ पांच शेर छोड़ा हुआ है। तो चलते हैं किरण सफारी नेडीर सफारी करते हैं वहाँ पर बहुत सारे हिरण को। चलिए और ये गाइडलाइन वाले भैया यहाँ सभी हिरण के बारे में बताते हैं। यहाँ पे लगभग 300 के आसपास हिरण अवेलेबल है जिसमें काला हिरण बाड़ा सिंगा चीतल सभी प्रजाति के यहाँ हिरण। और देखिए आप लोग सामने कुछ हिरण दिख रहा है जो कि घास को खाते हुए आप लोग को नजर आ रहा है। और देखिए बहुत सारा लगभग वहाँ हिरण दिख रहा है तो थोड़ा कैमरा को जूम करते हैं और दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारा यहाँ हिरण दिख रहा है लगभग 20 से 25 की संख्या में और आगे भी बढ़ रहे हैं तो इधर भी हिरण देखने को मिल जा रहे हैं। इधर देखिए तो ब्लैक हिरन दिख रहा है जो कि 3 से 4 की संख्या में है। चलिए चलिए और इसके बारे में अगर बता दे तो ब्लैक हिरन के समय के अनुसार ये अपना कलर भी चेंज करता है। तो चलिए अभी गाड़ी से निकल रहे हैं और आपको बता दें ये भैया जो हम लोग के इस पूरा सफारी के बारे में बताए हैं। भैया आप कुछ बोलिए अपने माध्यम से बताइए कुछ यहाँ के बारे में। यहाँ भी एनिमल्स बढ़ने वाले और भी मजा आएगा। तो भैया बोल रहे हैं विंटर मौसम में ही बजा जाते हैं। तो भैया भी बोल रहे हैं अभी और जानवर बढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि सब लोग आइए और यहाँ जरूर घूमिए।